सर, आपके पड़ोसी ने शिकायत की है कि आपके घर से चीख मचने की आवाज आई है। ओह, फिर तो आप खामखा परेशान हो रहे हो। दरअसल मैंने एक बुरा सपना देख लिया था और मेरी चीख ही निकल आई। मिस्टर डिसूजा कहाँ है? मेरे चाचा, वो अपने गांव गए हुए हैं। काफी टाइम से अपने रिश्तेदारों से नहीं मिले। आप बाहर क्यों खड़े? अंदर आइए। मुझे नहीं मालूम था कि मिस्टर डिसूजा के रिश्तेदार भी आ रहे थे। फिर तो उन्होंने ये नहीं बताया हो कि मैं उनका भतीजा हूं। अभी वो बूढ़े हो गए और आपको तो पता ही हो कि बूढ़े लोग कैसे होते हैं। उनको मरने की खबर पहले ही मिल जाती है। एक दिन अचानक उन्होंने बोल दिया कि मैं गांव जा रहा हूं और कुछ दिन पहले चल पड़े। आप चाहो तो घर की छानबीन कर सकते हो। मैं बस अभी आया। अरे बैठ जाइए इंस्पेक्टर साहब, सुबह के 3 बज गए, अभी थक गए होंगे। अरे नहीं नहीं किसी के गलत फहमी की वजह से आपको खामखा परेशानी हो रही है। परेशानी? कैसी बातें कर रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? उस बुरे सपने के बाद से तो मैं अपने आप को बहुत खुश नसीब समझता हूँ कि मुझे आपकी संगत मिली। वैसे मिस्टर डिसूजा के साथ आप कब से रह रहे हैं? मुझे 1 साल हो गया यहाँ पे। आपको तो पता ही होगा कि मेरे चाचा के कोई अपने बच्चे नहीं थे। मुझे यहाँ पे बिजनेस संभालने के लिए बुला लिया। सच बताऊँ तो मुझे यहाँ आने के लिए बिल्कुल भी मन नहीं था, पर मेरे माँ बाप ने मुझे यहाँ आने के लिए मजबूर कर दिया। सबका नसीब इतना अच्छा था कि जो बनना चाहते थे वो बने। और वैसे आप क्या बनना चाहते थे? मेरे बचपन से एक ही सपना रहा है, अमृता से शादी करने का। वो मेरे पड़ोस में ही रहती थी। मैंने भी किसी को बिना बताए एक रिंग खरीद लिया था। मुझे पूरा यकीन था कि वो मुझसे शादी करने के लिए हाँ कर देगी। मेरे चाचा को ना एक बहुत गंदी आदत है, हर एक चीज में टांग अड़ाने का। उन्होंने मेरी अमृता को एक अमीर लड़के से मिलवाया। अमृता भी बहुत भोली थी बचपन से, उसने भी बिना सोचे समझे हाँ कर दिया। मुझे कभी मौका ही नहीं मिला कि मैं उसको अपनी दिल की बातें समझाऊं और उसको बोल सकूं कि मैं उसे कितना प्यार करता हूं। सॉरी, मैं भी पता नहीं क्यों आपको अपनी दुख भरी दास्ता सुनाने के लिए बैठ गया। वैसे भी मैं अपने आप को प्यार के मामले में थोड़ा कुछ नसीब समझता हूँ। जब मैं कॉलेज में था तब मैं अपनी पत्नी से मिला। वो कॉलेज की सबसे खूबसूरत लड़की थी।
और उसके जो दोस्त थे वो क्या मेरे क्या आपने वो देखा क्या देखा पता नहीं शायद चूहा होगा। हाँ तो आप अपनी पत्नी के बारे में कुछ बोल रहे थे। हाँ तो कॉलेज की खूबसूरत लड़की थी और उसके कई सारे दोस्त थे तो वो दोस्त मेरे भी दोस्त थे तो उनसे मैंने कांटेक्ट लेने का ट्राई किया तो कुछ हुआ नहीं। एक दो महीने उसके बाद मिले नहीं। आपने किसी को मारा? आप नहीं समझोगे, बिल्कुल भी नहीं। वो बुड्ढा मुझसे नफरत करता था बचपन से। उसने जानबूझकर मेरी अमृता से दूर किया। उसने जानबूझकर मेरे अपने सपने से दूर किया। बिजनेस तो सिर्फ एक बहाना था मेरे अपने परिवार से दूर रखने का। वो छड़ी मारता था मुझे, इतने बड़े होने के बावजूद भी छड़ी का डर दिखा के कारखाना ले जाता था। पता है आज सुबह मुझसे क्या कहता है? कहता है मुझे जन्नत की आवाज बहुत जोर जोर से सुनाई दे रही है। पता नहीं कैसे उस बुड्ढे को पता लगा आज को मारने वाला हूं। आज सुबह से शांत शांत बैठा है। हाँ। सर मैं आपसे दोबारा नहीं पूछूंगा मिस्टर डिसूजा कहाँ पे है।